रबी की 6 फसलों पर बढ़ाए गए समर्थन मूल्य से किसान संतुष्ट नहीं है। लागत को देखते हुए यह बढ़ोतरी ना काफी है। किसानों का कहना है कि डीजल, यूरिया, डीएपी, मजदूरी आदि को देखते हुए समर्थन मूल्य में जो वृद्धि हुई है वह काफ़ी कम है, इससे दोगुनी वृद्धि की जानी चाहिए थी। आइडिया के सकरन संवाददाता विनय अवस्थी ने बोहरा के किसान विजय मिश्रा, ग्राम किरतापुर के किसान राम सागर और ग्राम नसीरपुर के किसान वीरू सिंह से बात की। आप भी सुने उन्होंने क्या कहा। समर्थन द्वारा बढ़ा है तो उसपे गेहूँ और जौ और चने पे जी सर, इसका दून होना चाहिए, इस पर कम धन मूल्य है और ये ठीक है। और तेल, पांच दाल, धान के पैसा बढ़ रहा तो लोग हरा जानवर से बचाते हैं तो पैसे जो नहीं करेंगे। मेरा नाम विवादी सिंह है, मैं दुकान वासी हूँ। और जो ये गेहूँ का मूल्य समर्थन मूल्य 110 रुपये बढ़ा है, जौ का 100 रुपये और चने का 105 रुपये, मसूर का 500 रुपये, सूरजमुखी का 209 रुपये और सरसों का 450 रुपये, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि डीएपी, यूरिया इसके सारे दाम बढ़ चुके हैं और इसमें कम से कम समर्थन मूल्य में 500-600 रुपये की बढ़ोतरी होनी चाहिए। बात भी आपका भी चल रही है, आपका भी और इससे किसान सारा परेशान और इससे दोगुना होना चाहिए। मेरा नाम है विजय कुमार मिश्रा, ग्राम बोहरा विकास संस्करण का मैं एक कृषक हूँ। सरकार ने ये जो गेहूँ, जौ, चना इसका समर्थन मूल्य जो बढ़ाया है ये लागत के हिसाब से बहुत कम है। कम से कम इसका जितना बढ़ाए इसका दूना कर देते तो किसान जो है कुछ संतुष्ट हो जाता। ये जो मसूर है, चना है, वो है सरसों है, ये तो लेकिन इधर डीजल, यूरिया, डाया ये सब महंगी हैं तो ये सरकार ने जो बढ़ाया इसमें किसान का कोई भला होते हमको नहीं दिख रहा। जहां तक मेरा मानना है इसको अगर दूना कर देते तो ज़्यादा ठीक है। बता दें कि केंद्र सरकार ने दीपावली पर्व से पहले रबी की 6 फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि की है, लेकिन इस वृद्धि को किसान उचित वृद्धि नहीं मान रहे हैं। बहरहाल केंद्र सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए गेहूं के मूल्य में 110 रुपये, जौ में 100 रुपये, चना में 105 रुपये, मसूर में 500 रुपये, सूरजमुखी में 209 रुपये और सरसों के मूल्य में 400 रुपये बढ़ाने की घोषणा की है, जिससे अब सीजन पर गेहूं की सरकारी खरीद 2125 रुपये प्रति क्विंटल, जौ की 1735 रुपये, चना की 5335, मसूर की 6000, सूरजमुखी की 5650 और सरसों की खरीद 5450 रुपये प्रति क्विंटल में होगी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।